हेलो, गुड मॉर्निंग. मैं हूं बलजीत कौर, मास्टर फ्रॉम हाई स्कूल डिगियाना. TLM आई मीन टीचर्स लर्निंग मटेरियल पे जो कंपटीशन हो रहा है, उस कंपटीशन में मैं एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल, एक मॉडल बनाने जा रही हूं. जैसे कि आप सब जानते हो कि 10th क्लास में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक टॉपिक है, जो कि 9th क्लास में भी है, 10th क्लास में भी है. उस टॉपिक में जितने भी डिज़ास्टर्स आते हैं, वो सारे डिज़ास्टर्स किस वजह से होते हैं, उस पे ही मैं जो मॉडल है वो बनाने जा रही हूँ. और इस मॉडल के लिए जितनी भी चीज़ों का मैंने इस्तेमाल किया है, वो ईज़िली अवेलेबल, जब भी हम पढ़ाते हैं तो ये मटेरियल हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है. और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वेस्ट मटेरियल कहलाती हैं. तो जो इसका बेस बनाना है, गत्ते पे बनाया जाता है. तो मेरे पास ये केक का जो गोल बेस पड़ा था, मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ. इसके अलावा आई विल यूज़ चार्ट पेपर्स, फेविकोल, सीजर्स तो ज़रूरत होती है, पेंसिल्स, फिर आई विल यूज़ दीज कलर्स. फिर इसके अलावा हमें चाहिए कलर पेपर, जो कि मेरे पास अवेलेबल है, इसका यूज़ करूँगी मैं. इसके अलावा हमें चाहिए कुछ आर्टिफिशियल ट्रीज़, इसको दिखाने के लिए, इसको बनाने के लिए. फिर कुछ आर्टिफिशियल एनिमल्स हमें मिल जाते हैं, तो वो बाकी स्केल है, कलर्स हैं, सीजर, इन सब चीज़ों का ही इस्तेमाल करके, जो कि हमारे आसपास अवेलेबल होती हैं, मैं ये डिज़ास्टर मॉडल जो है वो बनाने जा रही हूँ. कि किस तरह से हमारे कंट्री में या वर्ल्ड में डिज़ास्टर्स प्रोफाइल जो है, उसमें क्या क्या, किस तरह के डिज़ास्टर्स. तो अब मेरी जो बेस है वो बनके तैयार है. तो ये बेस को मैं इस तरह से चार हिस्सों में बांटूंगी, क्योंकि मैंने इसमें क्या करना है, ऐसे करके मैंने इसके ना चार पोर्शंस दिखाने हैं, चार किस तरह से डिज़ास्टर्स होते हैं. तो ये मैं फेविकोल के साथ इनको जोड़ने के बाद एक तरफ मैं दिखाऊंगी ड्राफ्ट से किस तरह से डिज़ास्टर होता है, दूसरी तरफ मैं दिखाऊंगी अर्थक्वेक से किस तरह से डिज़ास्टर होता है, फिर इस तीसरे वाले कॉर्नर में मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से फॉरेस्ट फायर से होता है और अर्थक्वेक. ये चार चीज़ें ले लूँगी. अब मेरा मैक्सिमम काम कंप्लीट है, सिर्फ अब जोड़ने की प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है. ये मैंने बिल्डिंग्स वगैरह बना दी हैं, पेड़ मैंने जैसे आपको बताया था, मैंने ड्राई पेड़ भी ले लिए हुए हैं, ग्रीनरी के लिए मैंने रेडीमेड पेड़ ले लिए हैं. तो अब इसका फाइनल स्टेज जो है, मैं इसको जोड़ के जरिए भी समझेंगे. तो मैं आपको बता दूं कि डिजास्टर क्या है. एनी टाइप ऑफ अक्रेंस विच इफेक्ट्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ ए कंट्री, ए कम्युनिटी और ए सोसाइटी. मतलब होता क्या है, डिजास्टर में ऐसा होता है कि जो कम्युनिटी जहां रहती है वो अपने रिसोर्सेज से जल्दी से रिकवर नहीं कर पाती. इतना ज्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट होता है डिजास्टर का, इससे लाइफ, प्रॉपर्टी, इकोसिस्टम, हर चीज जो है वो बर्बाद हो जाती है. तो जब हम इंडिया की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे डिजास्टर्स हैं जो इंडिया में आते हैं. तो ये मॉडल के तरीके से आप समझिए. सबसे पहला हम लेते हैं ड्राफ्ट. सबसे पहले देखिए, मैंने इस पूरे मॉडल को चार हिस्सों में बांटा है, क्योंकि चार डिजास्टर्स हम दिखा रहे हैं. तो पहला जो है ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ड्राफ्ट. तो ड्राफ्ट में क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होता है, हाँ क्या होता है, सूखा पड़ना है ना. तो सूखा कैसे पड़ता है, व्हेन देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ रेनफॉल फॉर सो मैनी लॉन्ग टाइम, फॉर सो मैनी ईयर्स, कभी दो साल तक, तीन साल तक भी जब ना पड़े रेनफॉल, तो इस तरह से क्या होता है, ये देखिए, इस पूरी जो वेजिटेशन है वो क्या हो जाती है, सूख जाती है. ये देखो जमीन में जो है, अब हम चलते हैं दूसरा जो मैंने आपको डिजास्टर बताया जो इंडिया में प्रोमिनेंट है, जैसे ड्राफ्ट ज्यादातर कहाँ पे है, राजस्थान में. कौन सी स्टेट में, राजस्थान में. इसी तरह से दूसरा मैं दिखा रही हूँ आपको अर्थक्वेक. तो इंडिया 57% एरिया इज वल्नरेबल टू अर्थक्वेक, जिसमें से 12% इज वेरी सीवियर, मतलब वहां पे बहुत खतरनाक वाला अर्थक्वेक आ सकता है, आप लाइफ एंड प्रॉपर्टी. तीसरा डिजास्टर मैं आपको दिखा रही हूँ बच्चे, वो है फ्लडिंग. फ्लडिंग क्या है, जैसे मैंने आपसे बात की, सूखा पड़ा, ड्राफ्ट हुआ, तो उसका अपोजिट जो होता है वो फ्लडिंग होता है. फ्लडिंग से पहले आप ये देख लीजिए, चौथा जो मैंने आपको दिखाया वो है फॉरेस्ट फायर. जनरली फॉरेस्ट फायर कैसे हो जाता है, जब क्या होता है, कोई कहीं बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से, जैसे, तो लेकिन फॉरेस्ट फायर से सबसे ज़्यादा डिजास्टर है. क्यों, फॉरेस्ट क्या है, हैबिटेट ऑफ
एनिमल्स एज वेल एज बहुत सारा लाइवलीहुड जो है वो यहाँ से हमें फॉरेस्ट से मिलता है। तो ये देखिए फॉरेस्ट में जानवर मरे पड़े हैं फॉरेस्ट फायर से, तो क्या मतलब इसका, मतलब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ इकोसिस्टम, लॉस ऑफ वेजिटेशन। जब वेजिटेशन नहीं होगा, बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगी, और साथ में जब हर तरह की जो लैंड जो है वो भी सॉयल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा जैसे ही फॉरेस्ट की वजह से। तो ये सारी वजहों से अल्टीमेटली इट लीड्स टू व्हाट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, पॉल्यूशन, एंड इट आल्सो लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उससे क्या होता है, उससे स्नो जो है, जितने भी माउंटेन पीक्स हैं वहाँ पे जो स्नो है, जो शील्ड्स पर स्नो है वो सारी पिघलेगी, तो स्नो कैट जो एरियाज हैं वहाँ से ज़्यादा पानी आएगा, तो किसको लीड करेगा ये हो रहा है। तो इस मॉडल की हेल्प से आप इसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो ये मॉडल मैंने इसीलिए बनाया है एज ए टी एम, तो आप लोग खुद भी लर्निंग बाय डूइंग कर सकते हो, खुद भी बना सकते